हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से कुछ न्यूज अपडेट्स की बात कर लेते हैं। सो वेडनेसडे को कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनियन मिनिस्टर से कहा कि सनातन धर्म के बारे में डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन के रिमार्क पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स की जरूरत है। उन्होंने एलिजेडली ये कहा कि सनातन धर्म पर हमला करने वालों को स्ट्रांगली काउंटर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म इज लाइक डेंगू एंड मलेरिया एंड दैट इज हैज टू बी इरेडिकेटेड। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। टाटा हल्दीराम को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। स्नैक्स मेकर ने $10 बिलियन की वैल्यूएशन की मांग की। टाटा ग्रुप की कंज्यूमर्स यूनिट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हल्दीराम में कम से कम 51% स्टेक खरीदने के लिए बातचीत कर रही है और इसके लिए हल्दीराम ने रिपोर्टेडली $10 बिलियन की वैल्यूएशन की डिमांड की है। नेक्स्ट न्यूज गूगल से रिलेटेड है। ब्रांड मैनेजर जेसन फोर्नियर के साथ गूगल ने अपना न्यू एंड्रॉइड लोगो इनॉग्रेट किया है। इन्होंने कहा, मोर क्लोजली मिरर्स गूगल्स लोगो एंड क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन द टू, और अब एंड्रॉइड रोबोट 3D लुक में दिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। श्रीलंका से हारने के बाद अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान की एक पिक्चर वायरल हुई थी। अफगानिस्तान 2 रन से हार गई थी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रोट ने क्लेम किया कि अफगानिस्तान को बस इतना बताया गया था कि उन्हें जीतने के लिए 37.1 ओवर्स में 292 रन्स को चेस करना है, उन्हें अदर कैलकुलेशंस के लिए नहीं बताया गया था। नेक्स्ट न्यूज भी क्रिकेट से रिलेटेड है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में इंडिया के फॉर्मर ओपनर गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि उन्हें किस बात का रिग्रेट है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए था। गंभीर जो कि अब एमपी है, इन्होंने इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप 2007 एंड वनडे वर्ल्ड कप 2011 जीता। ये पूछे जाने पर कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीतने के लिए कौन सी टीम फेवरेट है, तो गंभीर ने कहा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, पिछले 3 महीने सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा फंडेड एजेंसी ने कहा कि ग्लोबल सी सरफेस का टेम्परेचर लगातार 3rd महीने हाई है और एंटार्क्टिक सी का लेवल लो रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये अगस्त सबसे हॉट रिकॉर्ड किया गया एंड जुलाई 2023 के बाद सबसे हॉटेस्ट महीना था। अब नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। इंडियन रूपी में लगातार गिरावट आ रही है। रूपी पिछले 10 मंथ से सबसे लोएस्ट पर आ गया है। पिछले सेशन में 83.04 से गिरकर 83.18 पर यूएस डॉलर पर आ गया है। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में राइजिंग के बाद एशियन करेंसीज में गिरावट आई है। सीआर फॉरेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पवारी ने कहा, रुपी का 83 के लेवल से नीचे गिरना कोई नई बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है और इसका जवाब September 25 तक मांगा है, जिसमें मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में एक 7-year-old स्कूल स्टूडेंट को उसके क्लासमेट्स द्वारा स्लैप किया गया था। कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा है। और अभी लास्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए डिजिन जेल का यूज करने के लिए अलर्ट इशू किया है। उन्होंने किसी भी टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करने को भी कहा। टेस्ट एंड स्मेल पर अलग अलग कंप्लेंट्स के कारण अबाउट ने डिजिन जेल को वापस ले लिया।